हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो आज हम करने वाले हैं सोनेट 116, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो गाइस, ये क्लास 11th की ICSE बोर्ड की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। तो आज हम इस पोएम को काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में करने वाले हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो इंग्लिश सोनेट हैं उसे हम शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहले सोनेट्स थे ना, वो सिर्फ इटली में लिखा जाता है, ठीक है, इटालियन लोग लिखते थे। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये इंग्लिश में भी लिखने स्टार्ट किए। शेक्सपियर ने अपना एक न्यू स्टाइल बनाया सोनेट को लिखने का, ठीक है, एक न्यू स्टाइल डेवलप किया। और धीरे धीरे शेक्सपियर के कारण जो ये सोनेट हैं ये पॉपुलर होते गए, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शेक्सपियरन सोनेट, मतलब क्योंकि शेक्सपियर ने इसे क्या किया था, पॉपुलर कर दिया था और अपने स्टाइल में लिख के इसे पॉपुलर कर दिया था, इसलिए कहते थे, ठीक है। अब जो गए सोनेट होते हैं ना, उसमें तीन क्वाटरेंस होते हैं। अब क्वार्टर का मतलब, जैसे कि हम किसी एक चीज़ के चार पार्ट करते हैं, उस चीज़ से आप याद रख सकते हो कि इसमें चार लाइंस होती हैं। एक क्वार्टरेंस में चार लाइंस होती हैं, तो टोटल जो एक सोनेट होता है उसमें कितने क्वार्टरेंस होते हैं, तीन। तो तीन क्वार्टरेंस में कितनी होंगी, 12 लाइंस। और इस सोनेट में क्या होते हैं, कपलेट्स होते हैं दो। 12 तो लाइंस होगी और दो कपलेट्स हो गए, 12 + 2 = 14 लाइंस होगी। मतलब एक जो सोनेट होता है वो कितनी लाइंस का होता है, 14 लाइंस का होता है। क्वार्टरेंस आप याद रखोगे, क्वार्टर के साथ आप याद रख सकते हो, क्वार्टर का मतलब होता है ना चार, एक चीज़ का चार पार्ट। वैसे ही एक क्वार्टरेंस का क्या मतलब होता है, चार लाइंस। और एक सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं, तीन, 12 लाइंस होगी और दो कपलेट्स मिला के कितनी होगी, टोटल 14 लाइनें होती हैं, 14 लाइंस होती हैं एक सोनेट में। अब जो गाइस, शेक्सपियर का जो ये सोनेट है, ठीक है, उसकी जो रिदम कैसी होती थी पोइम की, आपको पता जो रिदम्स है वो अलग अलग होती है, बट जो शेक्सपियर एंड सोनेट की जो रिदम थी वो कैसे होती थी, ABAB, CDCD, EF GG, ठीक है, इस तरह की रिदम होती थी शेक्सपियर एंड सोनेट की, ठीक है। तो गाइस, जो शेक्सपियर थे ना, उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे, ठीक है, 154 सोनेट्स लिखे थे, जिनको दो पार्ट में लिखा था। एक तो उन्होंने लिखे थे द फेयर यूथ सोनेट्स, जो 1 से लेके 126 तक थे, और दूसरा उन्होंने लिखा था द डार्क लेडी सोनेट्स, जो 127 से लेके 152 तक थे, ठीक है। अब जो आपका जो सिलेबस में सोनेट 116 है वो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, यानी कि द फेयर यूथ सोनेट में। अब जो द फेयर यूथ सोनेट में शेक्सपियर ने प्यार की बातें की हैं, ठीक है, मतलब लव के रिलेटेड बातें की हैं। और दूसरा है जो द डार्क लेडी सोनेट, उसमें एक लड़की के बारे में बात की है जिसकी जो लंबे लंबे बाल होते हैं, बट वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो हम फोकस करेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है सोनेट 116 को, ठीक है। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं हमारी पोइम को। लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेंडमेंट्स। अब यहाँ पे जो मैरिज शब्द का यूज़ किया गया है, ये शादी को लेके नहीं किया हुआ है, एक्चुअली ये जो मैरिज शब्द यूज़ किया गया है ये यूनियन को दर्शाता है या मिलन को दर्शाता है, मतलब जो दो पार्टनर्स होते हैं उनके यूनियन, उनके प्यार को दर्शा रहा है, ठीक है, ये मिलन। और दूसरा है यहाँ पे इम्पेंडमेंट्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इम्पेंडमेंट्स का मतलब है रुकावटें, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मुश्किलें वो, अगर मान लो कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमारे इंडिया में ऐसा यहाँ बहुत चलता है कि अगर कोई एक हिंदू है या दूसरा मुस्लिम है, या फिर एक की कास्ट मान लो शर्मा है एंड दूसरे का दूसरे की मुस्लिम है, तो यहाँ पे कास्ट में जो ये रुकावटें हैं इसके बारे में शेक्सपियर ने बात की हुई है, कि अगर आपके प्यार में या आपके यूनियन में क्या आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो डैट इज़ नॉट अ लव, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है शेक्सपियर ने। और मैरिज का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, यूनियन, प्यार, मिलन, ठीक है। मोर ओवर शेक्सपियर यहाँ पे ये कहने चाहते हैं कि अगर आपके जो प्यार में, आपके लव में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या रुकावटें आ रही हैं, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रू लव, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन है, विच अल्टर वन अल्ट्रेशन फाइंड्स। अगर गाइज आपके इसमें विलियम शेक्सपियर ये बताना चाहते हैं कि अगर कुछ बदलाव होने के कारण, ठीक है, कुछ चेंजेस होने के कारण अगर आपके प्यार में चेंज आ रहा है, तो डैट इज़ नॉट अ ट्रू लव, ठीक है। अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, मान लो एक पर्सन है, दो पर्सन है, दे लव ईच अदर, ठीक है, मान लो एक है राम एंड एक है सीता, ठीक है। अब जो क्या होता है, राम का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, राम का एक्सीडेंट हो जाता है, एंड या फिर मान लो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या मान लो उसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, राम बहुत अमीर होता है और जो सीता होती है वो थोड़ी गरीब होती है। अब राम का जो बिजनेस है वो एकदम डाउनफॉल चले जाता है, वो फिर से गरीब हो जाता है, ठीक है। अब सीता अगर उसे क्या करेगी,
उससे प्यार करना छोड़ देगी या उसको छोड़ देगी तो डैट इज़ नॉट अ ट्रू लव, बट अगर वो उसके साथ रहेगी डैट इज़ अ ट्रू लव. ठीक है, नाउ गाइस आपकी नेक्स्ट लाइन है ओवर बैंड विद रिमूवर टू रिमूव. अगर आपका प्यार जो है, अगर आपका लव है वो ख़त्म हो जाता है तो वो भी प्यार नहीं है. ठीक है, मतलब शुरू शुरू में जब आप रिलेशन में आते हो, ठीक है, किसी के भी साथ जब आप रिलेशन में आते हो तो शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, बट जैसे जैसे इंसान टाइम बीतता रहता है, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी चमक ख़त्म हो जाती है, वो बूढ़ा होने लगता है, वो बदसूरत होने लगता है, तो जो प्यार है वो कम हो जाता है. अगर आपका प्यार कम हो जाता है तो शेक्सपियर की नज़र में वो ट्रू लव नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन गाइस आती है ओ नो. अब देख सकते हो एकदम ना जो शेक्सपियर है ओ नो के बाद, मतलब इस लाइन में वो एकदम चेंज कर रहा है. पहले उसने ऊपर वाली चार, मतलब अभी देखो ना, ये फर्स्ट लास्ट हमने लाइन पढ़ी ओवर बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव, यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टाइल ख़त्म हो रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो आपका क्वार्टाइल है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, चार लाइनें ख़त्म हो रही हैं. पहले चार लाइनों में शेक्सपियर ने बताया कि प्यार क्या नहीं होता, अब नेक्स्ट चार लाइनों में वो बताने वाला है कि प्यार क्या होता है. ओ नो इट इज़ एन इवन फिक्स्ड मार्क, वो कह रहा है कि मतलब ये एकदम ये फिक्स्ड मार्क है. इस यहाँ पे इस लाइन में शेक्सपियर ने प्यार को लाइट हाउस के साथ कंपेयर किया गया है. लाइट हाउस आपको पता होगा गाइस क्या होता है, समुंदर में एक लाइट हाउस होता है, चाहे तूफान आए आंधी आए वो लाइट हाउस जहाँ होता है वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है. ऐसे ही प्यार है, चाहे कोई भी मुश्किलें आए कोई भी प्रॉब्लम्स आए प्यार वहीं का वहीं रहता है. ठीक है गाइस, और किसी के भी कहने से रिमूव नहीं होता है. नेक्स्ट लाइन है दैट लुक्स ऑन टेम्पल्स एंड इज. अब यहाँ पे टेम्पल्स का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे टेम्पेस्ट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है तूफान. कौन सा तूफान, जो समुद्री तूफान होता है ना, और चाहे समुद्री तूफान आए चाहे जो मर्जी आए समुद्र में, पर जो लाइट हाउस है वो वहीं का वही रहता है. लाइट हाउस को किसके साथ कंपेयर किया गया, प्यार के साथ कंपेयर किया गया है. इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. अब यहाँ पे बार्क का क्या मतलब है, बार्क का मतलब है नाव, एक छोटी सी शिप होती है जिसको चप्पू चला के जाते हैं ना, उसको यहाँ से कंपेयर किया गया है. पुराने ज़माने में क्या होता था कि अब तो GPS है, ठीक है, गूगल पे हम सब कुछ देख लेते हैं कहाँ पे डायरेक्शन जाना, पहले तो कुछ होता नहीं था, तो जो नाव चलाने वाला था ना वो क्या करता था, तारों को देख के दिशा का पता कर लेता था. वैसे यहाँ पे कहा गया कि जो प्यार है वो आदमी को या पर्सन को राह दिखाने के लिए है. ठीक है, मान लो एक पर्सन है वो 24 घंटे घर पे बैठा रहता था, ठीक है, कोई काम वगैरह नहीं करता था, और वो एक रिलेशनशिप में आता है और अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, वो काम भी करेगा ताकि उसका जो पार्टनर है वो खुश हो सके, है ना, तो मतलब इसी से उसको एक राह दिखी, इसलिए प्यार को राह से मिलाया गया कि ये राह दिखाने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट है गाइज हुज वर्थ अननोन ऑल थ्रू हिज हाइट टू बी टेकन. अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो नाव चालिका होता था वो क्या करता था, तारों को देख के दिशा का पता कर लेता था, ठीक है, पुराने ज़माने में, बट उसको ये पता था कि हाँ ये तारा इतनी हाइट पे है, ठीक है, मैंने इस जगह ऐसे मुड़ना है ऐसे मुड़ना है तारों को देख कर, बट उसको उसकी असली वैल्यू नहीं पता था. अब एग्जाम्पल ले लो, हम पानी पीते हैं, ठीक है, हमारे पास वाटर है, बट वही अगर वाटर हमारे पास ना हो तब हमें उसकी कीमत पता चलेगी. ऐसी लव है, अगर हमारे पास है तो हम अगर हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो हमसे दूर होगा तो हमें उसकी जो वैल्यू है वो पता होगी, मतलब जो इसकी वैल्यू है, मतलब जो इसकी वर्थ है वो क्या है हमें पता नहीं है, अननोन है. ठीक है, नेक्स्ट है लव्स नॉट टाइम्स फूल थ्रो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग स्केल सेकल्स कंपस कम. इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे टाइम है, टाइम हर किसी को बूढ़ा कर देता है, ठीक है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, टाइम हर किसी को बूढ़ा कर देता है, बट जो प्यार है अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर वो क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है. अब हर कोई है, अब यहाँ पे कहा भी गया कि रोजी लिप्स एंड चेक्स, इसका मतलब जैसे अब जवानी होती है, हम हर पर्सन को क्या होना था, बूढ़ा होना होता है. टाइम के साथ साथ प्यार कभी भी कम नहीं होता, मतलब टाइम जो है कभी भी प्यार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है. विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपस कम. अब सिकल्स का गाइस क्या मतलब होता है, एक ना घास को काटने वाला एक औजार होता है जो थोड़ा यू शेप का करके होता है, उसके सामने जो चीज़ आती है वो, मतलब जो घास आती है वो कटती जाती है. ऐसे ही टाइम सिकल्स को टाइम के साथ कंपेयर किया गया कि टाइम है वो हर किसी की जवानी को काटता रहता है और सब बूढ़े हो जाते हैं, बट टाइम लव का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है. ठीक है, लव एल्टर्स नॉट हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. सेम वही चीज़ जो फर्स्ट क्वार्टल में बताई गई थी कि मतलब जैसे टाइम जितना मर्जी बीते कोई भी चीज़ चेंज हो, बट लव जो है वो चेंज नहीं होता, अल्टर नहीं होता. ठीक है, किसी भी चेंजेस आने के कारण, चाहे वो
वीक्स के चेंजेस हों, साल भर मतलब टाइम कितना भी चेंज हो जाए, बट जो लव है वो वैसा का वैसा ही रहता है, टाइम उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंजेस होंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि दो पार्टनर्स थे एंड जो मेल पार्टनर था उसकी जो बिजनेस है वो डाउनफॉल चले जाता है, एंड उसको देख के जो उसकी जो पार्टनर होती है वो उसके साथ रहती है, या ठीक है साथ रहती है, तो इसमें कोई चेंज उसमें लव में चेंज नहीं आता है, डैट इज़ ट्रू लव एंड उसके साथ वो हमेशा से रहती है। मतलब टाइम के चेंज आने से कारण या किसी भी चीज़ के चेंज आने के कारण आपका लव जो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट गाइस है बट बेयर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। अब यहाँ पे डूम का क्या मतलब, डूम का मतलब होता है क्यामत, या क्यामत को कहा गया है जब आपकी डेथ होती है ना उस टाइम को कहा गया, ठीक है, डूम को, मतलब चाहे आपकी जब तक आपकी डेथ नहीं होती, क्योंकि डेथ हो जाती है तो हमें फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं चलता जब बंदा मर जाता है, ठीक है, तो जब तक हमारा जो जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती हमारा जो लव है वो एकदम अल्टर रहेगा, चाहे बुढ़ापा आए, चाहे टाइम आए, चाहे कोई भी चेंजेस आए हमारे लाइफ में, बट जो हमारा लव है वो क्या होता है, एकदम सेम रहता है। लास्ट टू लाइन्स हैं, इफ़ दिस बी एरर अपॉन मी प्रूवन आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव इट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मेरी इस पोएम में लिखी हुई कोई भी बात सच नहीं होती है, ठीक है, या कोई भी बात में एरर होता है या कोई भी बात सच नहीं होती है, अगर आप उसे प्रूव कर देते हो तो मैं ये समझूंगा, शेक्सपियर कहते हैं कि मैं ये समझूंगा कि ना ही मैंने कभी कुछ लिखा है और ना किसी पर्सन ने आज तक कभी प्यार किया है। मतलब वो इसमें अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि जो अगर मैंने इसमें कुछ भी गलत लिखा है तो मुझे प्रूफ करो, अगर आप प्रूफ करते हो तो मैं ये समझूंगा मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा है और ना किसी पर्सन ने आज तक लव किया है, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस आपकी पोएम सोनेट 116। तो होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड गाइस ICSE 11th बोर्ड की मैंने फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो दैट आप इजीली अगर आपको कोई चैप्टर्स में डाउट आ रहे हैं आप उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फुल प्लेलिस्ट का, एक बार चेक जरूर से कर लेना। सो होप सो गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो एंड विल सब्सक्राइब माई चैनल, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching this video guys and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.